Okay. So, Alain is in a introductory clip. हमने आगे एक बहुत बड़ा मिस्टेक ये किया है कि हम लेट आ गए हैं और अगर आप लोगों ने जू को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना है और डे लाइट में इंजॉय करना है तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल आ जाए। हमने तो अभी टूर ख़त्म कर लिया लेकिन बहुत सारे दोस्त जो कि जिसको नहीं मालूम है जू के बारे में तो बता दें कि ये बहुत फेमस जगह है और बड़ी शो योर फिंगर लाइक पार्क एंड रिजॉर्ट्स। सो आप आए इंजॉय करें, यहाँ पे दरिंदे की खूबसूरत रंगीनियाँ लगी हुई हैं, क्रिकेट कर रहे हैं और रंग बिरंगे और ज़बरदस्त मौसम है। आजकल दुबई का मौसम ज़बरदस्त है तो इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। एंड व्हाट एल्स, इन लोगों ने अपने मुल्क को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है और दिस इज़ द वन रीज़न कि इंटरनेशनल विजिटर जो है, जो फॉरनर है, जो दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आके एक्सप्लोर करते हैं, तो यही वजह है कि इन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त डेजर्ट से वर्ल्ड फील्ड का बनाए हुआ है कि आप आके अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल बी अमेज्ड, इट इज़ अबव द फैंटेसी। सो कम एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल प्लेस। वन थिंग मोर, अगर आप लोग ग्रुप में आए तो सामने टिकट घर से आपको ग्रुप में डिस्काउंट के साथ टिकट मिलेगा और इसके ऐप डाउनलोड कर लें तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फिर भी डिस्काउंट मिलेगा। सो लेट्स गो। Jebel Hafid. So let's go inside to see the cave of Jebel Hafid. With the big toes and sticky eggs. Control the artificial jokari. Wow, beautiful. क्या है ऊपर? म्यूज़ियम में जितने भी चीज़ें इन लोगों ने रखी हैं बहुत खूबसूरती के साथ सजाए हुए हैं, रखे हुए हैं। दूसरी बात, इस बिल्डिंग की जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस बिल्डिंग की जो डिज़ाइनिंग है, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। यू कैन सी द ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग ऑफ दिस बिल्डिंग। सो
हाँ, ये उन सब लोगों के लिए मैं डिटेल देना चाहता हूँ कि अगर आप अलेंज वहाँ जाए तो इसके साइड इनसाइड आप चेक कर लें। यहाँ पर है एक म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम का नाम क्या है? शेख ज़ायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर। यहाँ पर एक म्यूज़ियम टाइप है जो म्यूज़ियम है, एग्जीबिशन एग्जीबिशन है, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। इस भाई ने हमें डिटेल दे दिया। ओके ओके, राशा का नाम शेख ज़ायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर। शेख ज़ायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर दहशत के दे इन साइड जू दे अबू धाबी के अलैन के अलैन जू के इन साइड दा दे के चाहे चाहता पता नहीं आओ तस जमा वीडियो गोर नो द इंफॉर्मेशन तस पर दर को छे तसो अलैन जू तराशे नो इन साइड तसो कते शैदा और की मेरी कोई भी नहीं है। शेख ज़ायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर बाकी तो सारे व्लॉग आ चुकी हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ जो है ना कम से कम असर के बाद आना चाहिए। उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है हमारी तरह, वो भी सो जाती है अपने अपने काम करके। तो बेहतर है कि असर से और मगरब के दरमियान का वक्त है ना उसको यूज़ करें। और दूसरी बात, इंजीनियरिंग के जो डिज़ाइनिंग किया है इस बिल्डिंग के, इस म्यूज़ियम के जो एग्जीबिशन के लिए बिल्डिंग बनाई हुई है, इसके बारे में भी बताया। बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन यह है कि जो कहते हैं ना गाइड करने के लिए यहाँ पे कोई प्रॉपर नहीं है, सिक्योरिटी वाली जो है वही यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात है ये लेबल लगे हुए हैं डायरेक्शन के। हाँ, लगे हुए हैं, लेकिन यह है कि डे लाइट में आना चाहिए, डे लाइट में आगे मूव कर। हाँ, चलना चाहिए आगे। लेट्स गो एंड सी। Okay, bye. We will explore more.